डेस्टिनी 20th पार्ट। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि जंगकुक ने ते को पकड़ लिया था। ते जंगकुक के ऊपर जिमिन के साथ मिलके स्पाई कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। नाउ लेट्स गो। ते यंग वेट, भागना मत, वहीं पे रुको। मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? और तुम यहाँ पे चुप चुप के कर क्या रही हो, वो पहले बताओ। आई क्या, मैं कहाँ चुप रही हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे घूमने आई थी अपने फ्रेंड के साथ, और मेरा फोन शायद साइलेंट पे होगा। क्यों, क्या हुआ बनी, तुम इतने ज्यादा वरीड क्यों, और मैं क्यों तुम्हें पीछे आऊं? ओ रियली, मैंने तुम्हें देखा था ते, तुम पिलर के पीछे चुप रही थी, और बाकी सारी बात तो मैं मान भी सकता हूँ, लेकिन तुम चुप क्यों रही थी वो पहले बताओ। मैंने कहा ना जंगकुक, मैं नहीं चुप रही थी, मैं क्यों चुपूंगी? वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे, कहीं तुम उस चिपकू लिजा पिज़्ज़ा के साथ तो नहीं आए हो? हाँ, इसलिए तुम मेरे ऊपर सारे सवाल डाल रहे हो, तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? ते तुम बिना कुछ भी बोलते हो, मैं यहाँ पे काम से आया था, वो एक्चुअली मेरा भाई आने वाला है ना, तो उसके लिए मैं थोड़ी सी तैयारी करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया था, लोगों को समझा रहा था मैं। और तुम क्या बोल रही हो? ओ ऐसी बात है, ये वही तो नहीं है तुम्हारा भाई जो बात करेंगे तुम्हारे मॉम डैड से इस लिजा पिज़्ज़ा के बारे में और हमारी हेल्प करेंगे, वही तो नहीं है? हाँ वही है, वही आ रहा है। अब तुम बताओगी तुम यहाँ पे कर क्या रही हो और तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? हाँ, ओ मैंने तो मेल भेजा था ना, तुमने नहीं पढ़ा बनी। एक्चुअली मेरी कुछ पेड लीव बची हुई थी, तो मैंने 3 दिन की मेरी पेड लीव को यूज कर लिया, तो 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। मैंने तुम्हें ईमेल भी सेंड कर दिया था, लेकिन तुमने तो पढ़ा ही नहीं है ना? ओ अच्छा ऐसी बात है, मैंने देखा नहीं। मैं भूल गया लगता है, तुम बिना बने तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो वो सब, इससे मिलो, ये है मेरी सोलमेट, मेरी फ्रेंड, मेरी सब कुछ, तुम कह सकते हो कि ये मेरी सब कुछ है। और जिमिन, ये है मेरा बॉयफ्रेंड जंगकुक, मैंने बताया था ना, और जंगकुक ये है मेरी सोलमेट, मेरी जान, जिमिशे, आई मीन जिमिन। ओ हाय जिमिन, आई एम जंगकुक, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हाय जंगकुक, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आई एम जिमिन। ओके बनी, अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मुझे इससे बहुत सारी जगह भी दिखानी है और हमें शॉपिंग भी करनी है, बहुत कुछ करना है, फन भी करना है। ये सिर्फ 3 दिन के लिए आई है ना, वापस ये चली जाएगी, उससे पहले मुझे इसके साथ बहुत सारे टाइम स्पेंड करना है, तो मैं चलूँ? ओ क्या तुम जा रही हो, ठीक है, घर जाके कॉल करना मत बोलना, ठीक है? ओके सोचूंगी मैं तुम्हें कॉल करूँ कि नहीं, बोलो मत कि मैं अभी भी तुमसे नाराज हूँ। तुम्हारा वो लिजा पिज़्ज़ा का मैटर जब तक सॉल्व नहीं होता ना, मैं तुमसे नाराज ही रहूंगी। बेबी बैब प्लीज, अभी तो नाराज मत रहो ना, मैं कह रहा हूँ ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मेरा भाई आ रहा है ना, सब कुछ ठीक कर देगा, प्लीज उस बात को छोड़ दो ना। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं उस बात को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली मिस्टर जंगकुक। चल जिमिशे हम चलते हैं, हमें लेट हो रहा है, बाय बाय। बहुत हुआ, एक बार इस बिल्ली के बच्चे को आने दो, फिर मैं लिजा से तुरंत के तुरंत ब्रेकअप कर लूंगा, क्योंकि ये बहुत हो गया, 1 महीने से ये मुझसे नाराज है, मुझे और सहन नहीं होता, बस बहुत हो गया। हे तेयोंगशी, तू अपने बॉयफ्रेंड को परेशान क्यों कर रही है यार, वो कितना ज्यादा क्यूट और कितना हैंडसम है, जो पिक तूने मुझे सेंड की थी उससे ज्यादा तो वो रियल लाइफ में बहुत हैंडसम लग रहा है। ये था तेरे पास्ट लाइफ का लवर, वाह यार तुझे तो तेरा मिल गया, और मुझे देख कहीं मेरा वाला सो तो नहीं रहा है, वो मुझे मिल ही नहीं रहा है, क्या होगा मेरा।
हे जिमिशे, मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा मत बोल। हाँ, मैं जानती हूँ वो हैंडसम है और क्यूट भी है, तो उसके ऊपर नजर मत लगा, समझ ली? और तेरा वाला जहाँ पे भी है, अगर वो नहीं आया तो चिंता मत कर, मैं हूँ ना, आई एम हियर। यार तू है तो क्या करूँ, तेरा अच्छा डालू मैं? हाँ कुछ भी बोलती, या मैं तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ? कुछ भी बोलती तेमशी तू। एनीवे छोड़, अभी क्या करने वाले वो बता, कुछ तो करना पड़ेगा ना। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बन सकती हूँ। एनीवे छोड़, हम चलते हैं शॉपिंग करने कॉन्सर्ट के लिए, फिर हम लोग कुछ घूमेंगे, कुछ अच्छा से मैं तुझे खाने का खिलाऊंगी, ठीक है? चल चलते हैं। शट अप, ये फालतू बातें करना बंद कर, समझ गया? तू मुझे शॉपिंग पे लेके जा। हाँ वही सही है, वरना तू पैसे पागल हो जैसी बात करेगी, बॉयफ्रेंड रख के ऐसी बातें कर रही है। चल चलते हम लोग। ओके बाबा, चल चलते हम लोग, ठीक है? तू चिंता मत कर, मुझे जैसे मेरा बनी बॉय मिल गया, तुझे भी तेरा वाला मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है, इंट्यूशन हो रहा है कि तेरा वाला बहुत जल्दी तुझे मिलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। चल चलते हैं। हाँ हाँ तुझे मेरा वाला मिलेगा, मेरे सपनों में या तेरे सपनों में, है ना? छोड़, पहले हम लोग शॉपिंग करेंगे, फिर बहुत सारा फन करेंगे, चल से रहा नहीं जाता, चल जल्दी। फिर वो दोनों शॉपिंग और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए निकल जाते हैं। A few moments later. ये ले पानी पी और चल मेरे साथ, ठीक है? जिमिशे कितना अच्छा लग रहा है ना, अब चल हम लोग घर चलते हैं, ठीक है? वरना मॉम तो मुझे छोड़ेगी नहीं हमेशा, तो मैं रात को 1-2 बजे घर जाती हूँ, तभी तो कैसे भी मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन अभी तू है तो मॉम जरूर वेट कर रही होगी हमारा। चल जल्दी चलते हैं। चल चलते हैं, वैसे भी हमने तो डिनर तो कर ही लिया, चल चलते हैं तो हम लोग, ठीक है? हाँ जा कार में बैठ, चलते हैं जल्दी। ओह आ गए तुम दोनों, फाइनली तू आ गए थे, कब से मैं तेरा वेट कर रही थी, जल्दी आ जा, तुम भी आ जाओ चिमन, हम सब डिनर करते, तुम्हारे डैड भी आ चुके हैं, मैं हम लोग वेट ही कर रहे थे, कभी तुम लोग आओगे कभी हम लोग डिनर करेंगे। जिमिन वैसे मिले भी नहीं था ते तुम्हारे डैड से, आ जाओ अंदर। हाँ मॉम, जिमिन तो मिल ही नहीं पाए ना, क्योंकि डैड बिजी थे ना अपने काम में, इसी वजह से। आ जा जिमिन, मैं तुझे मेरे डैड से मिलाती हूँ। और मॉम, हम दोनों ने डिनर कर लिया था, सुबह से बात है ना, हमें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी तो हमने खाना खा लिया मॉम। ओके थे अंशी, चल चलते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम लोगों ने डिनर कर लिया तो तुम दोनों अंदर तो आओ, फिर वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। हे डैड, कैसे हो आप? आज इतनी जल्दी? वैसे इससे मिलो, ये है मेरी बेस्टी जिमिशे, जिमिशे इनसे मिलो, ये है मेरे डैड। हाय ते, मेरी प्यारी सी इकलौती बेटी, मैं आज जल्दी नहीं आया हूँ, तुम आई हो, ठीक है? ये मेरा यूजुअल टाइम है, तुम जल्दी आई हो। तुम हो जिमिन? हाय बेटा, कैसे हो तुम? हेलो, नमस्ते अंकल। हाँ मैं जिमिन हूँ, वैसे आप कैसे हैं अंकल? हाय बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जिमिन, मुझे लगा कि तुम भी तेरी तरह कोरियन में हेलो हाय या बाकी सब बोलती होगी, लेकिन तुम तो इंडियन स्टाइल में बोल रही हो बेटा। डैड क्या कर रहे हो आप, उसके साथ भी मजाक कर रहे हो, वो सीरियस ले लेगी। डैड वो अंकल, मैं क्या बोलूं। जिमिन बेटा, तुम इनकी बातों का सीरियसली मत लेना, ठीक है? इन्हें बहुत बुरी आदत है मजाक करने की। वैसे थे तुम सुबह से बाहर घूम रही हो, जिमिन भी थक गई होगी, तुम दोनों जाके आराम करो, ठीक है? यस मॉम, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रहा है, मैं जाके सीधा लेट जाऊंगी।
मिशेल, चल हम दोनों जाके सोते। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, बाय बाय। गुड नाइट टे, गुड नाइट जिमिन। एंड जिमिन बेटा, अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी, कुछ भी चाहिए होगा तो तुम मुझे बिना हेजिटेट किए उठा देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल आंटी, मैं बता दूंगी। गुड नाइट आंटी, गुड नाइट अंकल, चलते हैं उनसे। गुड नाइट टे, गुड नाइट जिमिन बेटा। सो यू, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? क्या खाना में खाना चाहोगे और कुछ पीना चाहोगे? कुछ लेके आओ। और आपकी जर्नी कैसी थी? सब कुछ ठीक था ना? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुआ ना? अलो अलो करके उसके बच्चे, इतनी ज्यादा इज्जत, इतनी ज्यादा यूं करके तू मुझे बुला रहा है, ये बता तुझे चाहिए क्या? हाँ तो बिना वजह तो तू मुझे इतना प्यार से बुलाएगा नहीं, तो बता खरगोश के बच्चे। और तेरी वो रूममेट गर्लफ्रेंड कहाँ पे है? वो दिखाई नहीं दे रही, तूने तो कहा था कि वो तेरे साथ रह रही है, तो वो कहाँ पे है? वो नहीं है, अच्छी बात है ना, उसने कहा था कि उसे कुछ काम है, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, उसने कहा था उसे लेट भी हो जाएगा। ऐसे तुम मुझे सही से पहचानते हो बिल्ली के बच्चे। हाँ मुझे काम है और तुम मुझे मना नहीं कर सकते, तुम्हें करना ही पड़ेगा वरना तो मैं बहुत मुश्किल में फंस जाऊंगा। हाँ बाबा मैं ठीक से पहुंच गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है बता तू क्या प्रॉब्लम है? वो एक्चुअली मुझे ना लीजा से ब्रेकअप करना है और मॉम डैड से बात करना है मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, और इस सब में तू मेरी हेल्प करेगा, तू बात करेगा मॉम डैड से इस बारे में, क्योंकि मेरी पहले से एक मंथ, वन मंथ हो गए वो मुझसे नाराज बैठी हुई है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही। वो कह रही है कि लीजा का प्रॉब्लम सॉल्व करो फिर मैं तुमसे बात करूंगा। मैं परेशान हो गया, मुझे अभी ब्रेकअप करना है, तू मेरी हेल्प कर बस। ओ अच्छा, तो ये बात है जिसके लिए तुम मुझे इतना ज्यादा बटरिंग कर रहे हो। ऐसे तुम में और उसमें ऐसा कौन सा रिलेशनशिप था कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लग रहे थे? मुझे तो नहीं लगता। एनीवे छोड़, मैं मॉम डैड से वैसे भी बात कर ही लेता, क्योंकि मैं तो तेरी उस चिपकू के साथ कभी भी शादी नहीं होने देता, समझ गया? तुझे तो पता है ना मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। क्या सच में तू बात करेगा मॉम से? वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हम दोनों को तो पसंद नहीं, मॉम को कैसे पसंद आ गई वो पता ही नहीं। ठीक है छोड़, तू पहले खाना खाएगा या अपनी प्यारी सी नींद पूरी करना चाहेगा? बता क्या करना चाहेगा? नहीं मैंने तो फ्लाइट पे खा लिया था, तो अभी तो मैं सीधा जाके प्यारी सी मेरी नींद पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है गुड नाइट, मैं चलता हूँ, और फिकर मत कर, कॉन्सर्ट के बाद मैं मॉम से बात करूंगा, ठीक है? बाय खरगोश के बच्चे। ओ ओके थैंक्स बिल्ली के बच्चे, ठीक है तू जाके सो जा, गुड नाइट।
क्या सच में मुझे भी उस लड़की की बाजू में जो बैठी है ना, जो बेबी चे चिल्ला रही है, उसकी फिगर और उसके एटीट्यूड को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जानता हूँ, उसके पीछे के फिगर से मुझे लग रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। अन्यांग, लव यू, सी यू सून।